गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। यहाँ कोई नहा के नहीं है ना, है क्या सभी नहा के? हाँ, तो खुशी हो या गम पेड़ लगाए हम, तो हमें वी हैव टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज फॉर आवर बेटर फ्यूचर। इट इज वेरी इसेंशियल फॉर कमिंग टाइम। तो पेड़ पौधे जो है आपको मालूम है, ये पेड़ है ना, ये बड़ा होगा है ना। तो पेड़ जो है वो पत्तों से, फूलों से, फलों से, छाया से, जड़ों से, छाल से, गंध से, गोंद से, कोयले से, राख से और प्राणवायु से सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। इसीलिए मैंने एक उपक्रम लगाया कि बर्थडे में पेड़ पौधे लगाना चाहिए। और हमारे रिस्पेक्टेड ताजने सर, इन्होंने मुझे मौका दिया बोलने का, बहुत बहुत आभार। और मेरा उपक्रम है, और ये जो है एक छोटे सा स्पर्धा मैंने रखा हूँ आपको। आप कुरकुरे खाते हैं और कुरकुरे का पैकेट फेंक देते हैं, फेंकते तो इधर उधर कचरा जाता है, तो प्लास्टिक कचरा हर जगह हो रहा है, तो हमें इसके प्रति जागरूक रहना है। इसलिए आपको एक स्पर्धा है, प्लास्टिक कचरे के ऊपर 8 लाइन की कविता लिखना है, वो कविता मुझे देना है, और फिर उसमें से मैं एक विजेता को चुनूंगा, उनको 50 आम के पेड़ दूंगा, 50 आम के पेड़। और फिर 100 लोगों को चुनूंगा, उनको इजी टेंस बुक दूंगा, मेरी तरफ से इजी टेंस बुक। तो इस माध्यम से हम सब मिलकर कचरे के प्रति, पर्यावरण के प्रति जागरूक होंगे, है ना। तो अक्षय कुमार क्या बोलेंगे इसके लिए? जंदो जंदो, डोंट एंग्री मी, सब लोग पेड़ पौधे लगाएंगे, आवाज ऊपर लगाएंगे। सुनील शेट्टी, हाय हाय बाजान जी, हाय हे अंजलि, हे बच्चा लो, पेड़ लगाओ यार, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाना चाहिए कि नहीं, बोलो बोलो। और फिर राजकुमार, यानी हम राजकुमार है, और मुझे पता है यहाँ के बच्चे पेड़ जरूर लगाएंगे। इतने में मुर्गी आ गई, राजकुमार फिर मुर्गी के पीछे उसका बच्चा भी आ गया। मम्मी मम्मी मम्मी, फिर बच्चे के पीछे गैया भी आ गई। फिर बुलबुल भी आ गई। तो ये क्या है, नेचर है, और वी हैव टू सेव दिस नेचर। आपको मालूम है दुनिया से गिद्ध जो है, गिद्ध गायब हो गए, अभी 99% गायब हो गए, वो अभी बहुत सारे जानवर चिड़िया जो है। तो वी हैव टू सेव दिस प्लैनेट अर्थ, और पशु पक्षियों को भी बचाना है हमें। तो ये सब जो है मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ ना, मेरे YouTube चैनल संतोष नहाके 11, मेरा YouTube चैनल है संतोष नहाके 11, उस पर मैं वीडियो डाल रहा हूँ, तो उसको सपोर्ट करना है आपने, और पेड़ पौधे बचाना है और पेड़ लगाना भी है। ओके, थैंक यू।